हेलो एवरीवन, होपफुली तुसीं सारे वधिया होवोगे। ते अज आपां जिवें तुहानूं पता है कि आपां डेली बेस दे उत्ते पंजाब जीके नूं डिस्कस करदे हां। ऑलमोस्ट जिन्ने उहदे इंपॉर्टेंट टॉपिक सी आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हां, पंजाब दी हिस्टरी नूं डिस्कस कर चुके हां, इस तों इलावा पंजाब दे फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम नूं डिस्कस कर चुके हां। अज अपने कुछ मिसलीनियस कंसैप्ट ने जिन्हां नूं डिस्कस करांगे, बट ये कंसैप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितों एग्जाम दे विच बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट, आप स्टार्ट करते अपने निरंकारी मूवमेंट। सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे सोशल मूवमेंट्स कि पंजाब दे विच केड़िया केड़िया सोशल मूवमेंट्स चलियां सी। सब तो पहला गल करते हैं अपन निरंकारी मूवमेंट की। जो निरंकारी मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल की चीज़ें याद रखनी है। सब तो पहला तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर कौन सन। आंसर होएगा बाबा दयाल सिंह। बाबा दयाल सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ निरंकारी मूवमेंट एंड उसका ओरिजिनेट कितों होया सी, रावलपिंडी तो इसका ओरिजिनेट होया सी। ते इन्हां दे सक्सेसर कौन होए ने, दरबारा सिंह निरंकारी मूवमेंट दे सक्सेसर होए ने। नैक्सट है जी साडा नामधारी मूवमेंट की गल करिए, तो नामधारी मूवमेंट नूं अगे जाके कहा जाण लग्या कूका मूवमेंट। ठीक है जी, नामधारी मूवमेंट नूं अगे जाके कहा जाण लग्या कूका मूवमेंट। अगर तो पूछा जाए कि नामधारी मूवमेंट के फाउंडर कौन ने, नामधारी मूवमेंट के फाउंडर ने जी बालक सिंह। अगर पूछा जा इन्हां दे सक्सेसर राम सिंह होए ने। ठीक है, सक्सेसर इन्हां दे राम सिंह होए ने। सो बाद दे विच इसनूं कूका मूवमेंट कहा जाण लग्या, तो कूका मूवमेंट के सक्सेसर कौन सन, राम सिंह सन। सॉरी, कूका मूवमेंट के फाउंडर एक तरीके के राम सिंह सन। सो इन्हां दोनों दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। अगर पूछा जाए नामधारी मूवमेंट तो बाबा बालक सिंह आंसर करोगे, अगर कूका मूवमेंट तो राम सिंह आंसर करोगे। ये उही मूवमेंट है जिस दे विच चिट्टे रंग के कपड़े पाए जाते सन ते गऊ माता की पूजा की जाती सी। सो आप ये मेनली इहदे जो हैडक्वार्टर्स रहे ने इस मूवमेंट के, वह लुधियाने दे विच रहे ने। नैक्सट है जी साडी राधा स्वामी मूवमेंट की गल करिए, तो यह कित्थे स्टार्ट हुई सी, यह साडी आगरा तो स्टार्ट हुई सी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इस मूवमेंट दे विच की इंपॉर्टेंट है कि यह मूवमेंट फाउंड किसे द्वारा की गई सी। तो आंसर होएगा शिव दयाल सिंह दे द्वारा, जिसनों स्वामी जी महाराज कहा जाता सी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल कि जो अपनी राधा स्वामी मूवमेंट है वह किसके द्वारा फाउंड की सी। आंसर होएगा शिव दयाल जी के द्वारा यह मूवमेंट नूं स्टार्ट किया गया सी। एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है। नैक्सट है जी साडी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सिंह सभा मूवमेंट। ठीक है जी, यह मूवमेंट किन्ना चीज़ों के अंगेंस्ट विरुद्ध चली सी, यह क्रिश्चियन मिशनरीज के अंगेंस्ट चली सी। द फर्स्ट मॉडर्न मूवमेंट, यह पहली की सी मॉडर्न मूवमेंट सी। सो अपन नैक्सट गल करते अपना स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के किस तरीके दे नाल अपना, देखो कल आप फ्रीडम फाइटर्स बारे गल की सी, शहीद भगत सिंह मदन अपने शहीद भगत सिंह लाला लाजपत राय जी के बारे गल की सी, मदन लाल डिंगरा जी बारे गल की सी, वो साडे फ्रीडम स्ट्रगलर सन। इस तो इलावा कि फ्रीडम स्ट्रगल दे विच होर की कॉन्ट्रीब्यूट किया गया सी पंजाब दे वल्लों, उहदे बारे गल करदे आ। सब तो इंपॉर्टेंट आ जांदा है जी साडा कामा गाटा मारू। एग्जाम दे विच इन्ने कु क्वेश्चन इस टॉपिक तो मॉडिफाई करके आए होणगे। तुसीं देखोगे कि हर साल इस टॉपिक दे विचों एग्जाम दे विच क्वेश्चन आंदे ही आंदे ने। पुछ लिया जांदा है कि कामा गाटा मारू की सी। सब तो पहला क्वेश्चन यही है कि कामा गाटा मारू की सी। कामा गाटा मारू जी एक जैपनीज शिप सी, की सी, एक जहाज सी, एक शिप सी, जिसनों कितों खरीदया गया सी, जिसनों जापान तो खरीदया सी। फिर क्वेश्चन बनता है कि किसने खरीदया सी, तो बाबा गुरदित्त जी ने इस जहाज नू खरीदया सी। फिर क्वेश्चन बनता है कि किहड़े साल दे विच, तो आंसर होएगा 1914 दे विच खरीदया सी बाबा गुरदित्त जी ने। सो गल कर लें, केंद्र इसके हैड कौन सन, बाबा गुरदित्त जी सन इसके हैड। तो कामा गाटा मारू वॉज अ शिप, एक ही सी, एक शिप सी जिसका जिसने कैरी किए सन 376 इंडियंस नू जो कैरी करके लैके गई सी कितने, वैनकूवर। बट वैनकूवर के इसनों एंट्री नहीं सी दी गई, तो यह वापिस आ गई सी, इन्ने इंडियंस नू लैके वापिस आई सी। तो वापिस कितने आई सी, कलकत्ता के हब हब बोर्ड के उत्ते वापिस आ गई सी। कहते ऑल पंजाबीज टू कैनेडा द शिप इम्बार्क फ्रॉम हैंक होंगकोंग फ्रॉम अराइविंग इन कैनेडा। देखो कैनेडा गई सी होंगकोंग वैनकूवर के, बट इसकी इसनों एंट्री नहीं सी दी गई, जो तो वापिस आई तो यह
ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ? ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਬੁਝ-ਬੁਝ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਬੁਝ-ਬੁਝ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗਦਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਕੀ ਸੀ। ਗਦਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ USA ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਦਰ ਹੈ ਉਸ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਾਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਬਟ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਦੇਖੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਮਾਤਰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋ ਵਕੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ, ਨੋ ਅਪੀਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ 2020 ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਵਾਜ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰ ਮਾਈਕਲ। ਸੋ ਮਾਈਕਲ, ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ, ਤੇ 1940 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1915 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ 1925। 1920 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਂਸਰ 1925 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
महंता ने कब्जा कर लिया सी ते महंत एक करप्टी ते बहुत अश्लील मतलब लोग सन जो कि करते सन नाच गाना करवाते सन गुरद्वारा साहिब दे विच। तो उन्हें महंतों तो रिहा करवाण दे लई छुडवाण दे लई केड़ी मूवमेंट पास की गई सी गुरद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट पास की गई सी 1925 दे विच। आंसर याद रखना है 1925 दे विच। उस तो बाद आप गल करिए अपनी श्रोमणी अकाली दल की गल करते हैं SCPC की गल करते हैं जो ये प्रबंधक कमेटी है कदों बनी सी 12 दिसंबर 1920 बनी सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल ठीक है जी। इस तो इलावा कहिंदे इट अपॉइंटेड सब कमेटी टू ड्राफ्ट द कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसीडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट ने। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया के प्रेसीडेंट सन वाइस प्रेसीडेंट इसके हरबंस सिंह सन ते सैक्रेटरी इसके सुंदर सिंह मजीठिया सन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस तो इलावा देखो ये तो असी अपने जेडे नॉमीनल चुने गए सन ये वो प्रेसीडेंट सन बट आफ्टर इलैक्शन वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो 1925 के करीब पहली बार इलैक्शन करवाई गई सन श्रोमणी अकाली दल दया तो उस समय प्रधान कौन चुने गए सन बाबा खड़क सिंह जो एग्जाम 2020 के एग्जाम के पूछा गया सी इलैक्टेड कौन सन SCPC के प्रधान खड़क सिंह सन वाइस प्रेसीडेंट कैप्टन राम सिंह सन सैक्रेटरी सरदार बहादुर मेहताब सिंह सन ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है जी। इस तो इलावा गल करिए कहिंदे सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 दे विच ही पास किया गया सी ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम दे विच कि सब तो लंबा समा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान कौन रहे ने तुहाडा आंसर होएगा गुरचरण सिंह टौड़ा ठीक है। गुरचरण सिंह टौड़ा श्रोमणी अकाली दल दे सब तो लंबा समा प्रधान रहे ने। फिर पूछा जाता है कि पहली लेडी SCPC दे कौन प्रधान बनी सी तो आंसर होएगा बीबी जगीर कौर। कौन बने सन बीबी जगीर कौर पहली लेडी सन जो SCPC दी प्रधान बनी सन। सो नैक्सट गल करिए कहिंदे मूवमेंट रिलेटड विद SCPC दे रिलेटड केड़ियां केड़ियां मूवमेंट्स ने। देखो गुरु का बाग मोर्चा होई सी ठीक है जैतो दा मोर्चा होई सी 1923 दे विच ठीक है। शहीद भगत सिंह खट्टर कलां हुई सी शहीद सुखदेव शहीद राजगुरु इन महाराष्ट्र सब तो इंपॉर्टेंट है जी जैतो का मोर्चा ते गुरु का बाग मोर्चा 1923-24 के करीब हुई ने ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है। सो नैक्सट है जी साडा आपां गल करिए कि 1947 तो बाद दा जो एक साडा पंजाब रहा है वह किस तरीके का रहा है 1947 तो बाद दा। देखो 1947 दे बाद पंजाब दे विच पेप्सू फॉर्म हुई कदों 1948 दे विच ठीक है 48 दे विच। सब तो पहला सानू पेप्सू दी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। बहुत बार एग्जाम दे विच पूछी गई है कि पेप्सू दी फुल फॉर्म की है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट बहुत बार पूछी जाती है सो इनू याद कर लेना। सैकेंड क्वेश्चन के जो साड़ी पेप्सू ए बनी कदों सी ए साड़ी बनी सी 1948 दे विच। तीसरा क्वेश्चन कि पेप्सू ते पंजाब नू मर्ज कदों किया गया सी 1956 दे विच मर्ज किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन पंजाब दी विच पेप्सू दीआं किन्नियां लैजिस्लेटिव असैम्बली दीआं सीट सन तो 60 लैजिस्लेटिव असैम्बली दीआं सीट सन। नैक्सट क्वेश्चन कि पहले प्रधान कौन बने सन जो सन यादविंदर राजा ऑफ पटियाला सन वह बने सन। सो कहते पेप्सू वॉज द यूनियन ऑफ 8 प्रिंसली स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते पेप्सू बनी कहती सी 8 प्रिंसली स्टेट नू जोड़ के बनी सी। वह 8 प्रिंसली स्टेट केड़िया सी पटियाला जिंद ते नाभा अपना मलेरकोटला हो जाता है अपना कलसिया हो जाता है ठीक है। कहिंदे पटियाला जिंद नाभा कपूरथला फरीदकोट कलसिया मलेरकोटला ते नालागढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल अठों दी अठों स्टेट तुहानू टिप्स ते होनियां चाहीदियां। इन्हां दे विचों जिहड़ा पटियाला जिंद ते नाभा है ये तीनों की ने फुलकियां स्टेट्स ने ये भी याद रखना है किहड़ियां ने फुलकियां स्टेट्स ने। बनी 15 जुलाई 1948 नूं सी इहदे पहले राज प्रमुख कौन रहे ने महाराजा यादविंदर सिंह पहले CM बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम ही पेप्सू दे रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CM पूछा जाए तो ज्ञान सिंह रारे वाला सन अगर राज प्रमुख पूछा जाए तो महाराजा यादविंदर सन।
पेप्सू की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेप्सू की कैपिटल रही है पटियाला, ठीक है जी। पटियाला विधानसभा दी सीटा 60 रही ने, ते पंजाब नाल इह मर्ज की गई 1956 दे विच। नैक्सट आप गल करिए कहते फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट पंजाब, पंजाब जिहड़ा अज दा पंजाब है यह कदों बनिया सी, इह किस मूवमेंट के अंडर बनिया सी, उस मूवमेंट के प्रोमीनेंट लीडर कौन सन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए ने। फस्टली आप गल करते हैं कि यह बनिया कदों सी, तो अज का पंजाब साडा बनिया सी 1 नवंबर 1966 दे विच, अज का पंजाब बनिया सी। देखो पंजाब किस कमीशन के अंडर बनिया सी, शाह कमीशन के अंडर बनिया सी, किस कमीशन के अंडर बनिया सी, शाह कमीशन के अंडर बनिया सी। ते दे प्रोमीनेंट लीडर कौन सन, पॉइनर ऑफ पंजाब मास्टर तारा सिंह सन, इस तो इलावा फतेह सिंह भी सन, बस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर तारा सिंह सन। कमीशन केड़ा सी, शाह कमीशन सी। जो पंजाब नू वंडिया गया, इस समय पंजाब जो अज का पंजाब है ये लैंग्वेज बेस से बनिया होया सी, इतों की निकलिया, एक हरियाणा निकलिया ते एक हिमाचल प्रदेश निकलिया साढ़े पंजाब दे विचों। नैक्सट गल करिए कि पंजाब का जो बाउंड्री कमीशन से आप ऑलरेडी 1966 के इस कमीशन का फजल अली कमीशन, क्योंकि जो लैंगुएज बेस के उत्ते इंडिया की रीओरगनाइजेशन हो रही थी स्टेट्स की, वो किस कमीशन के अंडर हो रही थी, वो हो रही थी फजल अली कमीशन के अंडर, इंडिया की रीओरगनाइजेशन। बट पंजाब की जिहड़ी हुई है वो किस के अंडर हुई है, शाह कमीशन, ठीक है। पंजाब बनिया साडा शाह कमीशन के अंडर, पूरी इंडिया दी स्टेट्स दी जो रीओरगनाइजेशन हुई है वो किस कमीशन दे अंडर हुई है, वो हुई है जी सारी फजल अली कमीशन दे अंडर। होपफुली तुहानू पूरे दा पूरा लैक्चर बहुत चंगे तरीके दे नाल, अच्छे तरीके दे नाल समझ आया होएगा, पूरी डिटेल दे नाल, जिन्ने अपने एडिशनल फैक्ट्स मैं ऑलरेडी नोट डाउन करवा चुकी हाँ। सो अगर तुहानू पसंद आंदा है तो प्लीज़ अपने व्यूज कॉमेंट बॉक्स के विच दसना। थैंक यू सो मच।